सुबह मेरान जेंगन ते वहां सबनी के एक बेरो बेहर भलीकार तहां भी शामिल थी सबो था प्रोग्राम में जो फोन कॉल के जरिए तो कॉल क्यों ही प्रोग्राम में शामिल थे मां ब्रेक ते वने का सवाल छड़े वई हूं मेकअप पे आप कितना टाइम लगाती हैं हार्डली 5 मिनट अच्छा हो नहीं सकता ऐसे कैसे नहीं क्योंकि मेरे पास जिंदगी में और अचीव करने के लिए बहुत कुछ है मैंने और बहुत सारा करना है सेल्फ ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट आपको फ्रेश नजर आना चाहिए आपको डिसेंट नजर आना चाहिए सही लेकिन मैं अपना आधा दिन मेकअप पे कभी भी नहीं उतारूंगी सही ड्रेसिंग को कैसे आप कवर करती हैं कैसे ख्याल करती हैं कि मुझे ये इवेंट पे ड्रेसिंग करनी चाहिए ये सेंस जो है ना हर लड़की में होना जरूरी है क्योंकि मैंने कई लड़कियों को देखा है कि मार्केट में भी आती है तो वो ओवर बन के आ जाती है अजीब सा फील होता है कि ये ड्रेस यहाँ पे पहनने के लायक तो थी पहनने के लायक नहीं थी जैसे पार्क में कुछ बच्चियां हील्स पहन के गई सो ये एक नॉर्मल सा ये आपका नॉर्मल सी समझने वाली चीज है कि आप जो सादा चीज है ना आपके ऊपर वो हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होगी बिल्कुल बहुत ज्यादा शौक और ये चीजें होनी चाहिए जैसे फंक्शंस हैं इवनिंग डिनर्स हैं हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है बिल्कुल अब एक डिनर है उसके ऊपर आप शादी वाला जोड़ा नहीं पहन के जा सकते बिल्कुल एक शादी के ऊपर आप जीन्स नहीं पहन के जा सकते ठीक है थोड़ी सी ड्रेस की फॉर्मेलिटीज हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए बट आप जितना इसको सिंपल और स्ट्रेट रखेंगे उतना आप लोगों के लिए कन्वीनियंट भी होगा लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड यू विल फील गुड हाँ ये हकीकत है जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी होती है तो आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करते हो एक्जेक्टली आप इतना ज्यादा अपनी ड्रेसेस के ऊपर फोकस ना करें किसने आपसे बात करनी है उसने आपका ग्रूमिंग होनी चाहिए इट नीड्स टू बी डिसेंट इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेबल ठीक है जिसने आपसे बात करनी है उसने अगर आपसे कपड़े आपके देख के बात करनी है तो आपके आपसे बात करने के काबिल नहीं उसे लाइक नहीं है बेसिकली चीज ये है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं बिल्कुल सही आप सिंपल अच्छा ड्रेस करें डिसेंट ड्रेस करें या फैंसी ड्रेसेस भी करें लेकिन एक लिमिट से बाहर ना निकलें बिल्कुल इट इज गुड हर किसी को शौक होता है कि लेकिन वो ओकेजंस और फंक्शंस के मुताबिक होता है वो सेंस होना चाहिए लड़की लड़ती कितना है आप मैं हमारा तो काम ही लड़ना जब भी मैं इनको देखती हूँ चीखती होती है नहीं नहीं चीख के आप कभी अपनी बात नहीं मनवा सकते प्रोटेस्ट वगैरह जो होते रहते हैं फैक्ट्स तो जरूरी है फैक्ट्स के ऊपर बात करें आप जो भी बात कहने यू शुड मीन इट आप कॉन्फिडेंटली बात करें आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें उड़ती उड़ती बातों पे बात ना करें कि ऐसे भी होना चाहिए वैसे भी होना चाहिए सही फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें अगला बंदा आपकी बात टाल ही नहीं सकता नहीं सकता बिल्कुल चीख के आप धीमे लहजे में भी बात करें कितने धीमे लहजे में भी बात कर लें जब फैक्ट्स होते हैं तो फिर वो पावरफुल हो ही जाती है बात फैक्ट्स आपके हमेशा पावरफुल होते हैं अगर मैं एक बात चीख चीख के बोलूंगी तो लोग कहेंगे बदतमीज है इसके बात करने का फायदा कोई नहीं है शी डज नॉट मीन नो कि इसने बात क्या करनी है बिल्कुल अगर मैं वही बात आराम से तो धीमे लहजे में और फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी कि ठीक है जैसे फर्ज करे कि नहीं हमने बच्चियों को विरासत में जो हमारा बनता है हमने वो नहीं देना अब मैं वहां पे बैनर उठा के चीखना शुरू कर दूं उस बात का इफेक्ट नहीं होगा ठीक है मैं उनके पास लीगल पेपर लेके जाऊं कि कानूनन ये है ठीक है धीमे लहजे में आप मेरे साथ बात करें कानूनन ये है शरण ये है आपने इस तरह से जाना है या इस तरह से जाना है करना आपने है सही तो योर कॉल आप मुझे बता दें आपने कैसे करना है बिल्कुल कितने ऐसे केसेस हैं आपने जो सॉल्व किए हैं या अभी सॉल्व होने के वेटिंग में है वो सॉल्व होने की वेटिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह माफ करे काफी है काफी चल, मतलब हर चीज के हवाले से आते हैं हर चीज देखिए हम लोग यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड में कह सकती हूँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर किसी की बात नहीं सुनी जाती या कोई खड़ा नहीं हो सकता या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या किसी को बच्चों के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है विच इज ह्यूज ट्रेंड सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग पॉइंट मां के लिए उसके बच्चे हो जाएंगे बिल्कुल या हस्बैंड असॉल्ट कर रहा है फैमिली ससुराल वाले असॉल्ट कर रहे हैं या एरिया एरिया में कुछ इस तरह के लोग हैं बासर लोग जो कि उसको अंडर प्रेशर अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरह के तो हमारे पास अल्लाह माफ करे बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके ऊपर हम इस वक्त काम कर रहे हैं अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम हेल्प कर चुके हुए हैं वो भी अल्लाह का करम है बहुत है आराम से सॉल्व हो गए या कोई मुश्किलें ऐसी पेश आई हो जो आपकी पर्सनल लाइफ पे भी जिसने अफेक्ट किया हो आराम से तो कभी भी ये चीज सॉल्व नहीं होती जैसे मैंने कहा था कि हमारा डेवलपिंग माशरा है बिल्कुल इस
इस वक्त अनदर 10 to 15 ईयर्स जब तक ये चीजें कन्वर्टिंग एज टाइम में है ना, चीजें बहुत मुश्किल है. बिल्कुल, इतने आराम से कोई भी नहीं करेगा. थ्रेटफुल थ्रेट भी करते हैं लोग और थ्रेट ही कर सकते हैं. पर एक चीज मैंने यहाँ पे देखी है, एक तो यहाँ का जो मुआशरा है वो मोटिवेट बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, मगर जिस चीज में मोटिवेट होना है उसमें वो होता नहीं है. आप उनको देखिए, हम इस इनकी इन साइकी को इन कैश भी तो कर सकते हैं. हाँ, ये है. आपने मोटिवेट करना है, पॉजिटिव चीजों की तरफ मोटिवेट करें ना, और फिर एक दफा बोल के छोड़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको फॉलो अप रखना पड़ता है. ये जरूरी है, रिमाइंडर जरूरी है. हमारी बात भूल जाते हैं लोग, भूल नहीं जाते. हमारा इस वक्त ना वो चेंजिंग पीरियड चल रहा है ना, तो जरा सा किसी के सामने एक बंदा मोटिवेट तो हो गया कि नहीं, मैंने मेरे घर में मेरी तीन बहनें हैं, ठीक है, उनकी एजेस इतनी रहती हो कि मैं स्टैंड लूंगा कि मैंने इनको पढ़वाना है आगे. सही, ठीक है, वो उसको हल्का सा रेजिस्टेंस बैरियर मिलता है तो कहते हैं यार वो तो बोल के चले गए, उन्होंने मेरे पीछे थोड़ी आना है, चुप करके बैठ जाओ. हाँ, ये है. सो उनको एक कॉन्स्टेंट इनकरेजमेंट देना, उनके साथ फॉलो अप रखना इज इक्वली इम्पोर्टेंट. सिर्फ रास्ता दिखाना कुछ नहीं है. अगर थोड़ा सा हाँ अनदर 5-7 सालों के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पर होंगे कि हम रास्ता दिखाएं तो लोग वहां तक चले जाएं. सही. लेकिन इस वक्त ये टाइम चल रहा है कि अगर आपने रास्ता दिखाया तो आपको हाथ पकड़ के चलाना भी है बिल्कुल. कब और करीब जाके फिर आप उनका हाथ छोड़ के थोड़ा सा आगे खुद जाने की कोशिश करो. सही, सही. क्यों, कोई ऐसा केस हुआ है लाइफ में जिसने आपके फैमिली के या आपके ऊपर कोई पर्सनली इफेक्ट किया हो जिसने? है, बहुत सारे हैं. अच्छा, मतलब पर्सनल लाइफ तक आ जाते हैं लोग? पर्सनल लाइफ तक आ जाते हैं. थ्रेड वगैरह तो एक दो उन लोगों ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वी डिड नॉट टेक इट सीरियसली. जब उन्होंने देखा कि प्रेशर में ही नहीं आ रहे, दे लेफ्ट इट. अच्छा, क्योंकि हम लोगों को अपनी राइट्स, जब हमें अपने हकूक का पता है हम तभी दूसरों के हकूक की बात कर सकते हैं ना. बिल्कुल. और हमारा अलमिया ये है कि अगर हम जो दबता उसी को दबाया जाता है, ये हकीकत है. अगर आप उनके सामने कह देना कि अच्छा ठीक है आप दे, आप करें, आप कर जो कर सकते हैं आप कर लें, हम नहीं इसको हटने वाले, तो ऑटोमेटिकली वो लोग जौन सा है बोलने की हद तक बहुत प्रेशराइज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते. सही. ये सिर्फ वही है ना, माइंड लेबर वाली चीज है. साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, फिजिकली नहीं ये कर बिल्कुल सकते. ये बात है. घूमने का कितना शौक है आपको? घूमने का तो बहुत शौक है. कहाँ कहाँ घूम चुकी है अभी? घूमने का काफी शौक है अल्हम्दुलिल्लाह. जो हमारी फील्ड है इसमें हमें घूमना भी बहुत पड़ता है. तो मैंने काफी बताया आपको, नई चीजें मिलने को, सकाफतें नई मिलती हैं, देखने को नए लोग मिलते हैं, नई चीजें आप सीखते हैं. बहुत ज्यादा नया नया रोज माहौल होता है. रोज नया माहौल. क्या खाना अच्छा पकाती है? मैं कुछ सिलेक्टेड डिशेस हैं जो बहुत अच्छी बना लेती हूँ. हाँ, मतलब हम खाने के लिए आ सकते हैं आप किसी भी वक्त. मुझे खाना पकाने का भी बहुत शौक है. अच्छा, आई एम अ गुड कुक. चार सुबहों के हमारे चार मुख्तलिफ कल्चर हैं. सबसे ज्यादा सारे ही सारे मुझे लगता है खूबसूरत है, क्योंकि मैंने जिस भी कल्चर को देखा है उसमें एक अपनी ही खूबसूरती है. हाँ बिल्कुल, सरायकी बेल्ट में चले जाएं, उनकी अपनी खूबसूरती, उनके बोलने में जो मिठास है वो कहीं नहीं मिलती. सिंध में आ जाएं, ये इतना रिच और कलरफुल कल्चर है, तो फिर मेहमान नवाजी के हवाले से तो खैर ये ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस है. बाकी हाँ, और पंजाब में जाएं तो फिर उसमें मशहूर है, इतना खाना खिलाते हैं कि वो तो जिसे कहते हैं खिला खिला के बिल्कुल. और आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि सिंध का मेरा ये है इस एरिया का पहला विजिट है. अच्छा, लेकिन कराची में पहले एक दफा आई हूँ. जो हम लोग टीवी पे सुनते हैं और देखते हैं, ट्रस्ट में वैसा कुछ भी नहीं है. बिल्कुल, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत सेफ एंड सिक्योर एरिया है, और कल्चरली इतना रिच है. और अगर आप रिलीजियसली देख रहे तो उसमें से भी इतना रिच है. तो खुदारा ये मीडिया, आप लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए बाहर, जो हमारी पॉजिटिव चीजें उनको भी तो आप सामने लाएं. इस चीज को बहुत ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है, मगर अभी उतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए. जितनी बाहर की मीडिया करती है उतनी नहीं. आप ये देखिए कि बहुत सारे ममालिक में अगर कुछ हो भी रहा है
तो उनका टीवी के ऊपर इस तरह की कोई चीज नहीं आती। यहाँ पे अगर हमारी किसी गाड़ी का टायर भी फट जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, वहां से बम फटने की आवाज आई है, पता नहीं चलता कि टायर फटा है। बिल्कुल, वो हरेसमेंट हो जाती है फिर उस बंदे जो वहां पे होते हैं और जो उनकी फैमिलीज होती है उस टाइम पे बिल्कुल प्रेशर में आ जाती है सिर्फ न्यूज की वजह से। कल्चर की जब मैंने बात की तो आपको ये चारों जो कल्चर है चारों सूबों के कैसे लगते हैं? माशाल्लाह, मैं ये कहती हूँ कि हमारा मुल्क जो है दुनिया का सबसे अगर कल्चरली देखा जाए सबसे अमीर है। ये है, बिल्कुल है, यहाँ पे हर किस्म की सकाफत है। पंजाब साइड पे आप देख लें वो लोग भी बहुत मेहमान नवाज और वो तो बहुत ही ज्यादा खिलाते हैं ना, उनका तो फोकस ही काश्तकारी और खाना बनाना। अगर आप सिंध को देख लें तो माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज लोग, बिल्कुल बहुत अच्छे और मिलनसार लोग। अगर आप बलूचिस्तान को देख लें तो वेरी रिच इन माइंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो उसी अपने उसी टेम्परमेंट से आपको मिलते हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं। सिंध में आप देख लें उसमें केपीके में देख लें वो भी बहुत खूबसूरत है, वो तो इतने भोले होते हैं, वो जो उनपे जो मैसेजेस निकले थे वो पढ़ पढ़ के मुझे कभी कभी लगता है वाकई सही कह रहे हैं, वाकई सही कह रहे हैं, वाकई हकीकतन सही कह रहे हैं। सही, तो माशाल्लाह हमारे सारे कल्चर्स बहुत अच्छे हैं और हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको प्रमोट करें, बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी रूट्स हैं हम उसको तो प्रमोट करें। अभी थोड़ा थोड़ा ये ट्रेंड आ गया है कि आपकी चीजें जो है वो बाहर जा रही हैं और वो अडॉप्ट हो रही हैं और लोग वहां पे उस चीज को अच्छा मतलब समझ के वो पहनने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी चीजें मैंने ऐसी देखी है। अगर आप ये इस्लामाबाद आए तो ये जो लोक विरसा है वहां पे यहां से चीजें वहां पे आप देखें फॉरनर कितना है, बहुत ज्यादा। इस पे बात करते हैं मगर वक्त हो गया एक ब्रेक का, साई ते हलूं था साई कपो पानी कचहरी के जगह वापस कंटिन्यू करता अन्या बिनन की लाइफ ते काफी सवाल रेलन जिके मुख्य अन्या करना है पर फिलहाल साई सुबह मेरान जगण ते वहां सबनी के एक बरो बेहरा भली कार सारा सा जिकसा निके चाह रही थी हले भाई लोक वर्षा के हवाले से आप बात कर रही थी उसको कंप्लीट करने फिर कुछ सवाल मेरे आपकी पर्सनल लाइफ पे वो भी जरूर पूछूंगी। थैंक यू। अच्छा मैं ये सजेशन फॉरवर्ड कर रही थी कि हम लोग लोक वर्षा में तो ये चल रहा है वहां पे हम लोगों को एक्चुअली एक कल्चरल जो हमारा कल्चर है ना उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, एक एक वीक के लिए हमें वहां पे कल्चरल एक्टिविटीज क्योंकि नॉर्मली लोकली लोगों का उस साइड से सिंध तक आना नहीं पॉसिबल हो सकता, तो आपने अगर हमें चीजों की अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है उसको प्रमोट करना है तो उसको वहां तक लेके जाए, चाहे कुछ सेमिनार्स करने कुछ अवेयरनेस कर लें, एक हफ्ते का कल्चरल सिंध वीक रख लें, इस तरह का कुछ करें। सेम गोज विद पंजाब, सेम गोज विद केपीके, सेम गोज विद बलोचिस्तान, यहाँ पे प्रोविंस लेवल पे ये चीजें होती रहती हैं। वैसे प्रोविंस लेवल पे देखे हम लोग वहां पे बैठे हुए इन चीजों को सिर्फ मीडिया के ऊपर देख सकते हैं, आप इसको डोर तक पहुंचाए ना, बिल्कुल बिल्कुल एक सेटअप तो बनाए वहां पे थोड़ा सा कुछ सही होना चाहिए क्योंकि जैसे वो रली है चोटी सारी चीजें। हाँ चोटी पसंद है आपको डालना? नहीं बहुत करती थी अब छोड़ दी है बहुत अच्छी लगती है बहुत ज्यादा अच्छी, कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ वैसे ही करके यहाँ प्रोग्राम में वो अपनी पूरी कर लेती हूँ जो मुझे याद आती है ना चोटी पूरी कर लेती ये तो हमारा कल्चर है ना, दिस इज समथिंग हु वी आर, सही असल में तो हम लोग यही है ना। सिंध की जो हमारे देखे रिच कल्चर के हवाले से हम जब बात करते हैं तो वाकई लगता है कि हम अपने जो बिस्तर है उनको भी नहीं बख्शते संवारने में, जो ये रलियां बनती हैं और चादरें बनती हैं, वैसे वहां पे लोग बाहर जो है इस ये चीजें नहीं है। अमेरिका में आई थिंक ऐसी चीजें हैं जो सिंध से ज्यादा सिमिलरिटीज रखती हैं क्योंकि वो भी पुराने कपड़ों से रली बनाती हैं वहां पे और यहाँ पे भी ये बनती रहती हैं, किसी गैलरी में मैंने देखा था वहां पे कुछ लगी हुई थी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे आपकी फ्रेंड गैदरिंग में मैं आपसे पूछूं कि वो आपको कैसे देखते हैं, किस लिहाज से? आपकी पर्सनैलिटी को? मेरी पर्सनैलिटी को well, मुझे अपनी फ्रेंड्स as I said, के बहुत इनकरेज करती हैं। अच्छा, बल्कि कहीं जगह पे ऐसा टाइम भी आता है कि आप घर में भी बात नहीं कर सकते, आप इतना उस वर्ज पे बोल होते हो, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ मैं बहुत लकी हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि जहाँ इतना किया थोड़ा सा और चलो हम तुम्हारे साथ
थोड़ा सा आगे चलो हाँ. और फिर वही ना जो मैं आपको बताई थी कि बंदा कंफ्यूज व्हेन यू आर टू क्लोज एंड इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन, आप चीजों को देख नहीं सकते. तो थोड़ा सा बाहर जब बैठी हुई थी तो वो मुझे बहुत गाइड करती है, मेरी रिसोर्सेज में हेल्प आउट करती है. उनकी जो पी आर है उसमें अब जैसे हमारे पास अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो कि बहुत सीवियर नोयत के होते हैं हाँ. तो मेरी फैमिली तो मेरे साथ फिल इन करती है, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत स्टैंड करते हैं. सही, सिविल सोसाइटी की बात करूं और गवर्नमेंट की ये जो बिल पास हो गया इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अप्लाई नहीं होता, ये इसको आप कैसे देखती हैं? देखिये इम्प्लीमेंटेशन कारोबारी वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन है लेकिन आपको करवानी पड़ती है. उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना था तो उन्होंने बिल पास किया, इतने सालों से तो नहीं हुआ हुआ था हाँ. लेकिन ये है कि आपको अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ही घर पे बैठे हुए इंसाफ मिले तो वो तो नहीं होगा. आपको केस तो पुट अप करना पड़ेगा, आपको उसको परस्यू करना पड़ेगा हाँ. आपकी हेल्प के लिए हम लोग जैसे कुछ सिविल एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी के हवाले से मेरी ये ऑब्जर्वेशन भी रही है कि हाई प्रोफाइल केसेस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उसके पीछे ज्यादा जाते हैं. जो गांव में लोग हैं उनके साथ कोई मसला हो जाता है कारोबारी का या कुछ, उनको तो वैसे ही नहीं पता किसको कहना है, फर्स्ट स्टेप कौन सा है, कैसे आगे मूव करना है, तो वो केसेस वहीं पे दब जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही मर खप जाती हैं. तो उनको आप ये वाकई सही है हाई प्रोफाइल केसेस के पीछे? अफसोसनाक हद तक ये ठीक है लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, ऐसे लोग हैं जो कि हाई प्रोफाइल केसेस, क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी का भी होता है. हम लोग यहाँ पे पब्लिक सर्विस के लिए हैं, हम पब्लिसिटी के लिए नहीं है. हम लोग ऐसे केसेस हमारी तरजीह होती है उनको करना जिनको के अवेलेबल नहीं हो रही चीजें, जिनको के रास्ता नहीं मिल रहा हाँ. जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्होंने अपने केस को बहुत हाईलाइट कर दिया उनको तो मदद करने वाले बहुत पाए बैठे हुए. हमारी कोशिश, हमारा अभी तक जो बैकग्राउंड है हाँ. जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि जो इतना हाई प्रोफाइल लोग नहीं है, स्पेशली जो बहुत ही रूरल अंदर के लोग हैं, हम लोग उनकी मदद करते हैं जहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता. तमाम बेहतरीन, बहुत ज्यादा जबरदस्त ये बात है कि उन लोगों तक आप खुद चल के जाते हैं और उनके केसेस हल करते हैं, अल्लाह इनमें आपको कामयाब भी करे. उसके लिए उनको भी तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, हमारे तक बात हाँ. के सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंचानी पड़ती है या ऐसा करना पड़ता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप कुछ एक केस पुट अप कर दें, कोई थोड़ी सी तो एफर्ट आपको भी करनी पड़ेगी. बिल्कुल, बट लोगों को नहीं पता होता, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन गांव में रही है, लोगों को नहीं पता होता उसको किसको कहना है, कहाँ जाना है, और कहीं पे बात चली भी गई तो वो आगे नहीं पहुंचाते. ये बातें हैं अपनी जगह पे, सारी चलती रहेंगी इन केसेस में, अल्लाह आपको कामयाब करे और सारे पॉजिटिव आपके जो आए. तो गाने में सिंगिंग के हवाले से पूछूं, क्या पसंद है आपको, क्या सुनती है, किसको सुनती है? अच्छा, मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, मैं अपने मूड के मुताबिक सुनती हूँ. अच्छा, अब मेरा थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है. जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही होती हूँ, मैं अपबीट गाने लगा देती हूँ. जब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होती है हाँ, सारा ये तो उल्टा हो गया पूरा हाँ, ये बंदा सैड होता है तो फिर सैड सॉन्ग सुनता है, वो सैड सॉन्ग सुन के आप और सैड हो जाते हैं ना, तो अच्छे भी नहीं लगते, सैड ही अच्छे लगते हैं. म्यूजिक का आपके ऊपर आपके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है. आप ये देखें, व्हेन यू आर डिप्रेशन का आप शिकार हुए इफ यू लिसन टू एन अपबीट म्यूजिक, पहले दो चार मिनट तो आपके बड़े अनकंफर्टेबल होंगे, आपकी माइंड जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन आफ्टर 10-20 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स, आप अपने अंदर चेंज देखेंगे. सही, आप वो गाना ऊंचा कर गो एंड ट्राइंग टेक अ शावर. अब क्या सुनाएंगी आप हमें? हाँ, सुनाएंगी सबके मसले होते हैं, गला सबका ठीक होता है. मैं तो असल में भी बैठ के मेडिसिन भी खा रही हूँ. कोई बात नहीं, आप गाना सुना ले हमें, कोई भी आपका प्रवीण गाओ. आप ये देखें कि हर दफा आप लोगों से आज आई रिक्वेस्ट आप सुनाएं. नहीं, मैं गाती वाकई नहीं हूँ, कभी कभी मूड में होती हो ना तो फिर शुरू हो जाती है. कल अपना मूड बना लेना. नहीं, मैं एज अ गेस्ट यहाँ पे आई थी तो आई थिंक मैंने शेर को ही सुनाया था, तो शेर ही सुना. अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि अब मैं पूछने के मूड में हूँ, सुनवाने के मूड में, सुनाने के मूड में नहीं हूँ. सारी बातें करके, इतनी सारी चीजें आपके साथ, माशाल्लाह इतनी वाइब्रेंट बच्ची के साथ शेयर करके मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसी बच्चियां आगे आ रही हैं. बस ये जो आप कह रही हैं ना, फैमिली की सपोर्ट और जो होती है उनके वजह से हम आगे निकलते हैं. अपना सर्किल सिलेक्टिवली चेक सिलेक्ट करें, बहुत क्लोजली मॉनिटर करके उनको सिलेक्ट करें.
ऐसे लोगों के साथ घूमे फिरे जो कि आपको प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल जो है ना लास्ट में एंड में आके पहुंचा है। सुबह मरान प्रोग्राम में आके आपको कैसा लगा? आप वैसे हैदराबाद भी आज पहली मरतबा आई हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। और जो इज्जत की मुझे बात अच्छी लगी है इस चैनल के भी कि माशाल्लाह आप लोग यंग लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज्यादा। आप लोग यू गाइस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे आप लोग इससे भी ज्यादा तरक्की करें इंशाल्लाह। और कोई मैसेज लास्ट में? मैसेज मैं आप लोगों को एक ही दूंगी जी, आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम करना है। आप अगर खुद स्टैंड नहीं करेंगे, खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। और एक अपॉर्चुनिटी का आप वेट मत करें कि आके आपके दरवाजे पे नॉक करेगी। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सीखें बगैर किसी चीजों के भी, बगैर किसी रिसोर्स के भी आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करें, डू नॉट वेट फॉर दरवाजे पे आके कोई नॉक करके आपको कुछ पकड़ाएगा, आपको खुद को जाना पड़ेगा वहां पे। थोड़ी सी एफर्ट करें आप, वो कहते हैं हरकत में बरकत है, बिल्कुल। आप थोड़ा सा एफर्ट करें और थोड़ी सी अपनी प्रेजेंट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन को एनकरेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस्लामाबाद से यहाँ आने का, हैदराबाद और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना टाइम निकाला और इतनी अच्छी हमारी जो टॉपिक था उस पर बात करने के लिए, सीरियस भी था थोड़ा फनी भी था, सही है, लोगों को इस बातों का पता चलना चाहिए। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम था डिठो, उम्मीद है जरूर पसंद आया हूँ। तो सुबहाने नवन मेहमान से गड नई कचहरी से गड जरूर जो सो हाजिर थी, पर फिलहाल सुभाने ताई जो को नाजिया कुरैशी के लिए इजाजत अलावाई।